हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट में बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें facebook.com/studycommerce चैनल। हमारे वीडियोस के सारे PDFs आपको फेसबुक से मिल जाएंगे और सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से क्या नहीं होता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? एनवायरमेंट में कमी आना, एनवायरमेंट ख़राब होना, किसकी वजह से? रिसोर्सेज की कमी की वजह से, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनकी कमी की वजह से, और जो भी हमारा इकोसिस्टम है इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कम हो रही है, इन सब कारणों से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में नहीं आता है। तो पहला है लैंड डीजनरेशन एंड सॉइल इरोजन, तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आता है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ ओवरगेजिंग एंड इकोलॉजिकल डीजनरेशन। अब ओवरगेजिंग क्या है? जब कोई एक पर्टिकुलर लैंड होता है और उस पर एक लंबे समय तक जो एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि वहाँ की जो भी ग्रासेस है वो उसको खा जाए, तो एक समय बाद जब ज़्यादा देर तक इन्हें छोड़ दिया जाता है तो जो लैंड होती है वो क्या होती है? इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। और फ्लड्स, फ्लड्स अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ह्यूमंस हो, हर चीज़ का काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सारे कारणों से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा था कि नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ हमारा आंसर नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये सारे रीजंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी टैक्सेशन का पैसा होता है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, इन सब का यूज़ क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी इंडिया में जो है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं एक फिस्कल पॉलिसी की। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। बाकी सारे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे है प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि जो प्राइस है उसको स्टेबल रख सके और जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल कर सके। दूसरा है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट इस तरीके से जो भी पैसे हैं उसको खर्चा करने की कोशिश करती है कि जो इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में उसको क्या किया जाए, उसको रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि जिनका जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती है उनका उस अकॉर्डिंग टैक्स बढ़ता रहता है, और जिनकी इनकम बहुत लो होती है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी इनकम और वेल्थ की है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे मिनिमाइज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो गवर्नमेंट जो भी पैसे होते हैं उनको खर्च करके एक पॉसिबल एफर्ट लगाती है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट कर सके, के लिए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं ताकि इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो लिबरलाइजेशन जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया था 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो इस समय ये तीन पॉलिसीज आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। कहीं जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन का काम होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हाथ में रखती है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते थे ये प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में इनका हिस्सा कम होता था। तो इस चीज़ को घटाने के लिए
यानी कि जो भी प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब का पार्ट, कुछ पार्ट प्राइवेट हैंड्स में जाने के लिए ज़रूरी है कि जो लाइसेंसेस लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसको कम किया जाए। तो लिबरलाइजेशन क्या करती है कि लिबरलाइजेशन का मतलब है जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको घटाना, उनको हटाना, ताकि इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनका भी शेयर बढ़ सके। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका फॉरेन ट्रेड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन। तो यहाँ ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मार्केट है उसको ग्लोबली ओपन करना, यानी कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं सिर्फ उसी के अंदर ट्रेड न करके बल्कि पूरे वर्ल्ड को एज अ सेंटर मानना और ट्रेड करना। तो इसके लिए क्या है, दो तरीका है इसमें, दोनों ही इसमें रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं। पहला है फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन से क्या है, फॉरेन ट्रेड है, आज हम देखते हैं इंडिया से बाहर हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए चाइना है तो सामान खरीदा बेचा जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो फॉरेन ट्रेड किया गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप देखते हैं होता है कि बाहर की जो कंट्रीज होती हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि एक MNCs ओपन की जाती है, तो ये भी एक इसी तरीके का हिस्सा है कि बाहर की कोई कंपनी यहाँ पर आपके इंडिया में आती है, वो कंपनी चलाती है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो एक तरह से ये क्या है, FDI का हिस्सा है। तो ग्लोबलाइजेशन से जो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए वो दोनों तरीके से हैं, एक फॉरेन ट्रेड से भी हैं और एक इन्वेस्टमेंट से भी हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट कौन सा था, तो ये था नैसडैक। तो यहाँ पे जो नैसडैक है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। ये क्या है, ये सबसे पहला स्टॉक मार्केट था, ये इसको हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नाम से भी जानते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 4 फरवरी को इन द ईयर 1971 और ये क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सबसे पहला दिया है द की स्ट्रैटेजी बिहाइंड एक्वायरिंग अ कंपनीज टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट सही है कि कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है ताकि जो शेयर होल्डर्स वैल्यू है वो क्या हो सके, बढ़ सके, वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट दिया है कॉन्ग्लोमरेशन इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव कॉमन बिजनेस एरियाज। तो ये गलत है, क्योंकि जो कॉन्ग्लोमरेशन है इसमें क्या होता है कि जो दो कंपनीज, दो या दो से अधिक कंपनीज का मर्जर होता है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आपको दिया है MRTP एक्ट गॉट रिप्लेस बाय, पहले MRTP एक्ट आया था, इसको रिप्लेस किया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ये कौन इंट्रोड्यूस करता है। तो HDI इंट्रोड्यूस किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये निकालती हैं। HDI को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो किया था अमर्त्य सेन ने और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन दोनों लोगों ने इसे डेवलप किया था, जो HDI है उसको ये दोनों लोगों ने डेवलप किया था। और UNDP जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और पर कैपिटा इनकम का, ये तीनों चीज़ें HDI में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है इनमें से जो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा दिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड दिया है डेफिसिट फाइनेंसिंग, फोर्थ है टैक्सेशन और फिफ्थ है रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग और टैक्सेशन, ये तीनों ऐसे तरीके हैं, ये तीनों ऐसे टूल्स हैं जो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग और टैक्सेशन, ये तीनों टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। थैंक यू।